डिजाइनर्स कपड़े देखते ही हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि इतनी सारी आइडियाज एंड इतने सारे क्रिएटिविटी एक साथ हमारे मन में कैसे आती है, और साथ ही साथ ये भी माइंड में आता है क्या हमारा माइंड इतना कैपेबल है कि इतने ढेरों ढेरों इनोवेशन कर सकता है एक डिजाइन पर, और वो भी बिना किसी रेफरेंस एंड बिना किसी इंस्पिरेशन के। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? सच बताऊं तो नहीं, हर बार तो बिल्कुल भी नहीं। आज से नहीं, कई टाइम पहले से ही हमारे इंडियन फैशन डिजाइनर्स एंड इंटरनेशनल ब्रांड हमारे इंडियन क्राफ्ट पे, इंडियन एम्ब्रॉयडरी पे, इंडियन टेक्सटाइल पे डिपेंड करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर डिज़ाइन गारमेंट बनाते हैं और बहुत सारे अमाउंट में सेल करते हैं। और ये इंडियन हेरिटेज, इंडियन क्राफ्ट जो हमारे होते हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टेट में होते हैं, जो छोटे छोटे गांव में होते हैं वो आम लोग जो ये क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी एंड हमारे वीविंग टेक्निक जो होते हैं, इंडियन वीविंग टेक्निक जिसके बहुत सारे मेथड हैं, वो छोटे छोटे गाँव में पाए जाते हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे छोटे छोटे विलेज में। हमारे इंडियन क्राफ्ट्स को आज के टाइम पे जिंदा रखे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आज इंडियन क्राफ्ट इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन का एक मोटिव बन गया है, जहाँ से हर डिज़ाइनर आराम से इंस्पिरेशन लेके हमारे इंडियन क्राफ्ट्स को यूज़ कर रहा है, या फिर कह सकते हैं इंस्पिरेशन लेता है, एक रेफरेंस लेता है। कई घंटों तक मेहनत करते हैं एक क्राफ्ट पे, एक एम्ब्रॉयडरी पे, एक वीविंग पे जो हैंडलूम होता है, हैंडमेड होता है। इतने सारे मेहनत और इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता जितना हमारे डिज़ाइनर्स को मिलता है। चलिए जानते हैं हमारे इंडियन क्राफ्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि किस डिज़ाइनर्स और किस इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ने इंडियन क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया है अलग अलग पूरे वर्ल्ड में। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज पाए जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज के अपने अपने स्पेसिफिक यूनिकनेस ब्यूटी होती है, जैसे कि लखनऊ की चिकनकारी, बंगाल का कांथा, और बहुत सारे ऐसे पंजाब की पुलकारी, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्टेट हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है, और उन्हीं से इंस्पिरेशन हम सब लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग की। नेक्स्ट इंडियन क्राफ्ट की बात करें तो डाइंग एंड प्रिंटिंग, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे डाइंग और प्रिंटिंग का जो मेथड है बहुत ही डिफरेंट है, वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि राजस्थान की प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग, एंड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्पेसिफिक प्रिंटिंग ही फेमस है, उनकी प्रिंटिंग टेक्निक ही फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेट हैं। नेक्स्ट बात करूँगी हैंडमेड साड़ियों की, हैंड वोवन साड़ियों, जो साड़ियों को आप हाथों से बनाते हैं ना कि मशीनों से। यस, इंडियन में, इंडियन क्राफ्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेमस हैं जो हाथों से ज़्यादा हैंडमेड ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी बहुत सारी अच्छी यूनिक क्वालिटी होती है और बहुत ही रिच लुक देता है। तो किस सिटी में, किस स्टेट में इस टाइप के काम होते हैं? साड़ी जो बनारस में फेमस है, एंड चंदेरी साड़ी, चंदेरी फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मुगा साड़ी ऑफ आसम, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, जिसको ऑफ वाइट कलर का होता है मोस्टली, कभी कभी आपको कलर में भी दिख जाएगा, उस टाइप की साड़ियाँ भी असम जैसे स्टेट एंड सिटीज़ में पाए जाते हैं, छोटे छोटे विलेज में वहाँ पे हैंडमेड एंड हैंडलूम, क्योंकि उन साड़ियों को आप हाथों से बनाते हैं, सोचो आप कोई भी काम अगर हाथों से करते हैं तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसकी जो फीलिंग आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो डिफरेंट होता है और ज़्यादातर लोग डिफरेंट चीज़ें ही प्रेफर करते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वहाँ भी अपनी यूनिकनेस है हैंडमेड एंड हैंडलूम साड़ियों की, महाराष्ट्र हो सकता है, उड़ीसा में भी बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ फेमस हैं जो आज भी लोग उसको खरीदना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक स्टेट एंड सिटी में पाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल एंड इंडियन डिजाइनर्स जो इंस्पिरेशन लेते हैं इंडियन क्राफ्ट से लेते हैं, तो किस डिजाइनर्स, इंटरनेशनल डिजाइनर्स एंड ब्रांड ने हमारे इंडियन क्राफ्ट को इंस्पिरेशन लेके पूरे वर्ल्ड में उसको रिप्रेजेंट किया है? तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड इंटरनेशनल डिजाइनर्स हैं, जैसे कि लुई विटों, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, और भी बहुत से ऐसे डिजाइनर हैं जो एक टाइम पहले से ही इनको इनोवेट कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे डिजाइनर्स का भी मेंशन किया था कि बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडियन क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले जो डिजाइनर्स हैं वो
पेरिस फैशन वीक में राहुल मिश्रा ने सबसे पहले ऑड कुतुर कलेक्शन को लॉन्च किया था। अगर आप राहुल मिश्रा को नहीं जानते तो राहुल मिश्रा एक इंडियन डिजाइनर हैं जो ब्राइडल एंड कंटेम्प्रेरी चीजों पे काम करते हैं। उनकी क्राफ्ट जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छी डिजाइनर है वो। मैंने उनको फॉलो किया। अगर आप चाहते हो उनसे कुछ सीखना तो प्लीज आप भी उनको फॉलो करो। नेक्स्ट जो फीमेल डिजाइनर है वो वैशाली। उन्होंने भी पेरिस फैशन वीक में इंडियन क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया था, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी कलेक्शन थी जो इंडियन डिजाइनर्स की चीजों से, इंडियन क्राफ्ट की चीजों से रिलेटेड थी। रेफरेंस हमारा टोटल इंडियन क्राफ्ट का ही था। थर्ड है ईसा सेठी। उन्होंने भी पेरिस फैशन वीक में ही सेम अपने इंडियन क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया था। उनकी भी कुछ ऐसे डिजाइन्स थी जो इंडियन क्राफ्ट से ही रिलेटेड, कि हमारे इंडियन डिजाइनर्स ऑब्वियसली इंस्पिरेशन हमारे इंडियन से ही लेंगे। बहुत अच्छा मौका होता है कि हम अपनी स्ट्रांगनेस दिखाएं जहां हम लोग रहते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि हमारे चीज़ों के जहां हम रहते हैं वहां पे कितनी अच्छी और वैल्यूबल चीज़ें हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं और उससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। अनीता डांगरे ने भी पेरिस फैशन वीक में बहुत सारे ऐसे फैशन वीक में इंडियन क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया है। उनके भी कलेक्शन जो होते हैं ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑफ वाइट में होते हैं। अनीता डांगरे को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे भी सीख सकते हैं। लैक्मे फैशन वीक भी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, उसमें पूरे डिटेल वीडियो बनाए हैं कि इस वीक में कितने कितने यंग डिजाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया था और क्या क्या हुआ था। उस वीडियो को भी प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इंडियन क्राफ्ट को यूज़ करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशन भी प्रोजेक्ट थे जो अलग अलग डिजाइनर्स ने अलग अलग ब्रांड के साथ किया है। जैसे सव्यसाची ने H&M के साथ किया, वहाँ भी आपको उस कोलैबोरेशन में भी आपको कुछ वहाँ पे भी इंडियन टच देखने को मिलेगा। सबा गुप्ता का जो रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ था मसाबा, वहाँ भी एक ऐसे प्रिंट का यूज़ किया गया जो कि उनके पोस्टर में किया गया है। तो वहाँ भी एक तरीके का प्रेजेंटेशन है कि आप पोस्टर मेकिंग में भी इंडियन क्राफ्ट को शो कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखते हैं कि मसाबा गुप्ता का जो भी कलेक्शन होता है वो प्रिंट से ही रिलेटेड होता है, जो उनका कह सकते हैं प्योर नीश है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद एक वीडियो में कवर होना मुश्किल है, लेकिन आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ बने रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।